ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नए ट्रैफिक नियम से बवाल मचा हुआ है, ऐसे ही खबर बिहार के बक्सर की है, जहां दरोगा बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था, तभी एक युवक ने इस दरोगा से हेलमेट न लगाने की वजह पूछ ली। फिर क्या, दरोगा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और युवक का कॉलर पकड़ लिया। युवक का नाम राजकमल सिंह है तो वहीं दरोगा का नाम रोशन कुमार बताया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रही है। दरअसल राजकमल सिंह का पहले बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस का रोशन कुमार ने चालान काटा था, मगर दरोगा रोशन कुमार खुद बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए राजकमल सिंह को नज़र आ गए। इसी दौरान राजकमल सिंह ने दरोगा को रोक लिया और हेलमेट न लगाने की वजह पूछी, जिसके बाद दरोगा रोशन कुमार भड़क गए और धक्का मुक्की करते हुए उसे पुलिस स्टेशन ले गए। हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन में आए हुए थे और ये फंक्शन से हम लोग बाहर आ रहे थे, इधर से पदाधिकारी लोग जा रहे थे, सुनने में आया कि कुछ यहाँ पे शायद कुछ समिट वगैरह हुआ था, तो उसमें जा रहे थे। वहाँ पे एक पुलिस वाले थे और वो बिना हेलमेट के पहन के जा रहे थे, तो मेरे मित्र हैं राजकमल सिंह, मेरा नाम मयंक उपाध्याय है, तो उन्होंने उनको टोका कि मतलब आप हेलमेट नहीं पहन के जा रहे हैं सर, अगर आप फॉलो नहीं कीजिएगा रूल तो बाकी लोग कैसे फॉलो करेंगे। तो ये क्वेश्चन उन्होंने उनसे किया तो वो उनसे मारामारी पे उतर हुए, वो बोले कि आप कौन है हमसे पूछने वाले, हम आपको नहीं बताएंगे, ये अधिकार तो हमारे पास सीमित है। वो बिना हेलमेट के थे और वो ये भी बोले कि ये अधिकार उनके पास है कि वो दूसरे का पूछेंगे, वो कौन होते हैं, दूसरे लोग कौन होते हैं पूछने वाले। हम लोग एक लोकतंत्र में है तो यहाँ पर नागरिक को सर्वोच्च माना जाता है, तो हमारा भी अधिकार है कि हम बोले ये बात। हमने ये बात उठाई तो उसके बाद उन्होंने बकझक की, उनके साथ हाथापाई भी करने की भी कोशिश की और फिर गलत तरीके से उनको गाड़ी में बैठा के लेके गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको इंजरी हुई है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। दरोगा के इस रवैये का ग्रामीणों ने भी विरोध किया। जैसे ही वीडियो वायरल हुई, प्रशासनिक आमले में हड़कंप मच गया। जांच के बाद एसपी ने पुलिसकर्मी को सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।